नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय रेल पर आगामी 50 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके पुनः विकास का कार्य तथा समपारों पर संरक्षण के दृष्टिकोण से रोड ओवर ब्रिज अंडर पास के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत स्टेशन का शिलान्यास व लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण 41,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा। अमृत भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन सहित 73 रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास किया जा रहा है, जिस पर 1876.64 करोड़ की लागत आएगी। पूर्वोत्तर रेलवे पर अमृत स्टेशन के अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में 31 रेलवे स्टेशनों के शिलान्यास एवं 1 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इन 32 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 25, बिहार के 5 एवं उत्तराखंड के 2 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे पर 111 रोड ओवर ब्रिज अंडर पास का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। इन 111 रोड ओवर ब्रिज अंडर पास में उत्तर प्रदेश के 94, बिहार के 14 एवं उत्तराखंड के 3 रोड ओवर ब्रिज के अंडर पास शामिल हैं। फायदे जो है स्टेशन के पुनर्विकास के 49 दिन के पुनर्विकास के अंतर्गत स्टेशन के आधुनिकीकरण। आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 10 करोड़ 28 लाख रुपया के लागत से कायाकल्प करल जाए। स्टेशन भवन के आकर्षक रूप प्रदान करल जाए। सर्कुलेटिंग एरिया, फसाड़, पोर्च और प्लेटफॉर्म सरफेस के सुधार करल जाए। वेटिंग हॉल एवं प्रसाधन केंद्रन के आधुनिक सुविधाओं से लैस करल जाए। ये सब कार्य जब पूरा हो जाए ना, तो यहाँ आए वाले यात्रियों के एकदम एयरपोर्ट जैसन सुविधा मिली। 26 फरवरी 2024 के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकर शिलान्यास हुई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने कहा, 26 फरवरी को भारतीय रेल का एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुल मिलाकर 554 स्टेशन और 1500 से ऊपर आर ओ बी का शिलान्यास और उद्घाटन, हमारे गोमती नगर का ही एक स्टेशन का उद्घाटन भी हो रहा है। ये हमारा प्रयत्न है कि इसको एक इतने विशाल स्केल पे करें कि ये एक विश्व रिकॉर्ड भी बने कि इतनी लोकेशंस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी लोकेशंस कनेक्ट करके कार्य आरंभ हो। पूर्वोत्तर रेलवे का जहां तक सवाल है, हमारे इसमें 31 स्टेशन हैं और जिनका शिलान्यास होगा और एक गोमती नगर जिसका उद्घाटन होगा। साथ ही हमारे 111 आर यू बी का भी शिलान्यास लोकार्पण होगा। हर लोकेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टिविटी हो गई है और वहाँ पे हर, जैसा कि आपको पता है, अमृत स्टेशन के तहत हर स्टेशन पे हमारा प्रयत्न है कि लोकल जो कल्चरल इथॉस है उसको लेके हम स्टेशन का इम्प्रूवमेंट करें, साथ ही अगले 50 साल के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो कि जैसे जैसे हमारे यात्रीगण बढ़ते रहते हैं उनको ना सिर्फ विकसित स्टेशन मिले बल्कि उसमें उस प्रकार की सुविधाएं मिले जो वो क्राउड, पैसेंजर फुटफॉल हैंडल कर सके। कार्यक्रम का समय क्या रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी 12:20 के बाद जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम में। उसके पहले लोकल फंक्शन शुरू होगा 10:45 बजे और वहाँ पे हमारे लोकल कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा। हमारे जो हमने बहुत सारे कंपटीशन कराए हैं विद्यार्थियों के, 2047 विकसित
भारत विकसित रेल के टॉपिक पे, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ज्वाइन करेंगे। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 6 व कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद में विभिन्न क्षेत्रों से कामगार श्रमिकों के बच्चों ने पहुंचकर प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिसके संबंध में प्रवेश परीक्षा देने वाली छात्राओं ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हम लोगों ने जो कक्षा 8 में पढ़ा था वही पेपर आया था, जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने वाली छात्राओं ने कहा, अच्छा रहा सर। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? मतलब बुक्स में से मतलब पढ़े हुए आए थे। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़े भी हैं, वो आए थे। पेपर अच्छा हुआ? यस सर। कहाँ से आए? पचौरी से। क्या नाम आपका? खुशी जायसवाल। बहुत अच्छा गया है। किस तरह के क्वेश्चन आए? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो पढ़े हुए सारे आए थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। कितने घंटे का पेपर था? 2.5 घंटे। क्या नाम आपका? अंशु गुप्ता। अच्छा गया। किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे? सब्जेक्ट था साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सब सही था क्लास के हिसाब से। क्लास के नाइन्थ का था ना? हाँ। क्या लग रहा है पेपर देकर? अच्छा लग रहा है। पास हो गए? हाँ। कहाँ से आए? सजनवा। क्या नाम है? साली सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा आयोग के निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण गोरखपुर के कमिश्नरी सभागार में किया गया, जिसको सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित मंडल के नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने देखा। वहीं गोरखपुर में 78 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन, दंत चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी का नियुक्ति पत्र, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल व चिल्लुपार के विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए, जिस पर सभी अभ्यर्थियों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2022 में पेपर दिया था, हम लोग पास हो गए थे, जिसका नियुक्ति पत्र अब मिल रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, दंत चिकित्सक लखनऊ से, निरीक्षक प्रशासनिक सुधार विभाग में श्री प्रशांत सिंह, पिकल के पद पर सुश्री नीलम गौतम लखनऊ से है। चौथी जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे 1277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा को, 1160 इसमें डिप्टी कलेक्टर थे, बीएससी थे, वरिष्ठ प्रवक्ता थे, समीक्षा अधिकारी थे, गन्ना प्रदर्शक थे, गन्ना विकास निरीक्षक थे, 267 नायब तहसीलदार और प्रवक्ता की भी नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई। और बड़ा सौभाग्य का क्षण है मैडम शिवानी है सारे गोरखपुर मंडल कहाँ के रहने वाले डॉक्टर अखिलेश कुमार।
इधर देखिए इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव नियुक्ति पत्र पाने वाली अभ्यर्थियों ने कहा, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण होता है वो अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसका इंतज़ार हर युवा का होता है। हर युवा की चाहत होती है कि उसको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और अपना आगे का जीवन एक सुखमय जीवन बिता सके। हाँ, उसके साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं शिरकत की, उन्होंने स्वयं इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, ये उनके लिए बड़ा प्रेरणादायी और एक गर्व की अनुभूति उनको होती है कि जो मुख्यमंत्री ही स्वयं उस कार्यक्रम में भागीदारी करके इन सभी को प्रोत्साहित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रोत्साहित करने से वो अपने जीवन में एक अच्छे कार्य और अच्छे समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अग्रणी रूप से निभाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी सभी इन सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए धन्यवाद। भाजपा के पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने राहुल गांधी के यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर कहा कि ये लोग जब चुनाव आता है तभी ये लोग बाहर निकलते हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उनके एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पांचों साल चुनाव में रहता है। हम सब केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। हम लोग यूपी में 80 सीट जीतेंगे क्योंकि जनता मोदी व योगी में विश्वास रखती है, क्योंकि जनता इनके समय में ठगी जाती थी। ये लोग जब कुर्सी पर थे तब न्याय नहीं करते थे, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, देखिए ये लोग जब चुनाव आता है तभी ये लोग बाहर निकलते हैं, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार हम सब पाँचों साल चुनाव में रहते हैं और हम सब जो है अपने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी धरातल पर हम लोगों ने गांव गरीब किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी होगी और 80 की 80 सीटों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है ये सब हम सब 100% इसको अचीव करेंगे, क्योंकि जब हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के विजन को लेकर के जब चल रही है तो मैं समझता हूँ इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सभी जो 25 से 30 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास रखता है, केंद्र के अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी में विश्वास रखता है, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश जी ये दोनों लोग जो यात्रा पर जो निकले हैं न्याय की यात्रा पर, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जनता भी महसूस करे। जनता तो इन्हीं के समय में ठगी जा रही थी, ये न्याय की का ये जब कुर्सी पर थे तो ये न्याय नहीं करते थे, ये स्वयं अन्याय के पक्षधर थे। ये जो सबको अधिकार जो मिल रहा है समान रूप से हर क्षेत्र में, अभी आपने देखा कि 78 बच्चों को जो नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है, ये पहली बार मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इस तरह से 2017 से जो भी बच्चे हमारे चयनित हो रहे हैं सबको, हम सबको एक जो है बच्चों के साथ मिल करके उनको नियुक्ति पत्र हम बांटते हैं, बच्चों को कितना गर्व महसूस होता है और हम सबको भी बड़ी अच्छी अनुभूति होती है और कितनी पारदर्शी तरीके से अच्छे तरीके से जो है प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। आज कोई भी बच्चा सपा के समय में तो किस तरह से युवाओं को छला जाता था, किस तरह से किसानों को छला जाता था, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होते, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इस यात्रा से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब 80 की 80 सीटें ये जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कद और भी ऊँचा होगा,
ऐसा हम सबको विश्वास है। जीडीए ने परिवर्तन दल के साथ राजस्व ग्राम लक्षीपुर में प्राधिकरण की पूर्व अर्जित विभिन्न अराजियों में कुल 6.314 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की सहायता से स्थल का चतुर्दिक निरीक्षण किया गया। मौके पर टीम द्वारा कुछ अस्थायी अवैध निर्माण अतिक्रमण पाया गया, जिन्हें चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, जिसको बुलडोजर के माध्यम से खाली करवाया गया। साथ ही 2 से 3 दिनों में बाउंड्री वॉल बनाए जाने का कार्य प्रारंभ किए जाने के भी निर्देश दिए गए। प्राधिकरण के PMU की टीम को ड्रोन सर्वे कर भूमि की उपयोगिता के दृष्टिगत अविलंब कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी को दी गई। शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा भूमि पर प्राधिकरण द्वारा योजना प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता किशन सिंह, तहसीलदार राम भेज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Come on, come on.